साम दाम दंड भेद चिरंदर दी सियासत कुछ अजिहा रूप लै चुकी है, यानी कि सियासत सब कुछ जायज है। सो जलंधर दिया लोक सभा जिमनी चोणां दे विच रिश्ते बन भी रहे ने ते रिश्ते टुट भी रहे ने। रिवायती पार्टियां तो वखरी पार्टी आम आदमी पार्टी ने लोक सभा दी जिमनी चोणां दे विच जिस तरीके दी रणनीति बनाई है हर कोई तंग रह गया। एक पासे उन्हां ने आपसी सियासी दुश्मन रहे सुशील कुमार रिंकू ते शीतल अंगुराल दी आपस सुलह करवा दिती। शीतल अंगुराल ते सुशील कुमार रिंकू दी दुश्मनी नू एक रिश्ते च बदल दिता, एक रिश्ता दोस्ती दा रिश्ता। वह दोस्ती जो 25 साल पहला टुट गई सी, पर आपने लोक सभा जिमनी चोणां च सुशील कुमार रिंकू नू टिकट दे के उस रिश्ते नू जोड़ दिता। पर इस दे नाल ही सियासी गलियारियां दे विच आम आदमी पार्टी ने कीते वड्डे धमाके। आम आदमी पार्टी ने इन्हां जिमनी चोणां च पहली सेंध चौधरी संतोख सिंह दे घर चलाई। उन्हां दे सगे भतीजे यानी कि चौधरी सुरिंदर सिंह पूर्व विधायक कांग्रेस करतारपुर नूं आम आदमी पार्टी शामिल करवा दिता। उही चौधरी सुरिंदर सिंह जिन्हां नूं हरा के आप दे बलकार सिंह विधायक बने से। इस परिवार दे विच सियासी तौर ते फुट पै गई ते चौधरी सुरिंदर सिंह कर गए आम आदमी पार्टी नूं ज्वाइन। कांग्रेस तों बाद आपने कीती बीजेपी च सेध। बीजेपी तो जलंधर वैस तो ही चोणां लड़न वाले मोहिंदर भगत नूं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवा दित्ती। ते दूसरे पासे उन्हां दे पिता भगत चूनी लाल नूं जदों इस गल दा पता लग्गिया ते ओह फुट फुट के रोए। उन्हां नूं पुत दे फैसले ते पछतावा है, क्योंकि ओह कहिंदे ने भाजपा ने ही उन्हां नूं मंत्री बनाया ते भाजपा ने ही डिप्टी स्पीकर ते भाजपा ने ही विधायक, पर उन्हां दे पुत ने पता नहीं किस दे बहकावे च आ के लै लिया आम आदमी पार्टी ज्वाइन करन दा फैसला। हुण इस परिवार च प्यो पुत च फुट पै चुकी है ते बेबस प्यो किस तरीके दे नाल भावुक हो के मीडिया दे सामने आए, आओ तुहानू दिखाने आ भगत चुनी लाल दी इह वीडियो, तुहानू इमोशनल कर देगी। क्योंकि कल्ले भगत जी नहीं, उन्हां दे नाल पूर्व विधायक के डी भंडारी भी मीडिया दे अगे इमोशनल होके रोंदे दिखाई दिते। खैर कहिंदे ने सियासत च सब कुछ जायज है। सो आप दे ए चुनावी पैंतरे किस तरीके दे नाल दूसरियां पार्टियां च सेंध मारी कर रहे ने ते इस दे नतीजे की होणगे, इह तां 13 मई नूं सामने आणगे। पर फिलहाल आम आदमी पार्टी ने खासकर जलंधर लोक सभा सीट च अपनी स्थिति मजबूत करन वास्ते कांग्रेस ते भाजपा नूं हिला के रख दिता है। दैनिक मेल पंजाबी टीवी दे लई वरिंदर सिंह दी रिपोर्ट। कालिया जी सबका मंत्री, सबका MLA श्री भंडारी जी, अति सारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर साहबान अज प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा ख्याल है कि महिंदर जी दे पता लगा कि आप पार्टी से चले जाने दे नाल बुलाई गई है। मेरे को सवेरे भी कालिया जी भंडारी जी आए सी तो गलबात हुई थी और इन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वास्ते, मैं कहा बेशक बुला लो, मैं तां भारतीय जनता पार्टी दे विच ही जिहड़ी सियासत है ये भारतीय जनता पार्टी जी शुरू की और किसी होर पार्टी नाल दुआ सलाम भी नहीं की थी। सारी जिंदगी इधर लाई। महेंद्र पाल मेरा बेटा बड़ा वफादार है, मेरी बड़ी सेवा करता है। ईवन
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਵਰਗ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣੇ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਸੰਮੇਲਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰ 3rd-4th ਦਿਨ। ਤੋ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਚਲੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਤੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਰਗੇਈ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਸਤੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਪੂਰ, ਵੇਦਾ ਮਾਲ ਕਪੂਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਂਗੇ ਜਾਂ MLA ਬਣਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੱਸਿਆ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, 100% ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ 12-17 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੋ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੰਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
उन्हें बड़ी एक ना समझी दी गल है क्या जो कुछ हो गया तो अगर अपने साथियों नाल सलाह कर लैंदा गल पूछ लैंदा कुछ कर लैंदा तो गल चंगी थी। उन्हें पूछा भी नहीं इन्हां लोकां नूं तां किन्नू पूछा किन्नू नहीं पूछा मैनूं नहीं पता। मैनूं पता लगा मेरा बेटा है अपना छोटा उस तो छोटा वो फैक्ट्री काम करता फैक्ट्री कित गया वे उन्हें उत्थे उन्हें गल की मैं नहीं पूछा। मैं फिर पूछा उन्हों अपने छोटे को कि पुत्र ते आया थी कहना आया थी मैं गल कर ला थी कहना कीती थी उस को लगा पता मैं मैंने दसिया सवेरे भंडारी जी ने दसिया। तो सो साथियों के बाकी जड़ी मेरी बरादरी आ वो मेरी सौ नहीं खाती ये नहीं कि भार्गव कैंप गांधी कैंप जम्मू कश्मीर उत्थे भारतीय जनता पार्टी अज उत्थे कहने इन्ना जोर है भारतीय जनता पार्टी का और सारी बरादरी बैठी अपनी उत्थे वो सारी बरादरी जड़ी है भारतीय जनता पार्टी नाल है और उत्थे सारियां सीटां जितने छे सीटां मैं गया थी पिछली बार इलेक्शन से इलेक्शन से गया थी मेरी ड्यूटी लगी थी वो कह रहे हैं कि उन्होंने बुलाओ मैं फिर गया थी उत्थे गया तो उत्थे सारियां सीटां असी एम एल दियां जीतियां छे सीटां असी जीतियां जिहड़ियां सन ना एस टी सीटां वो छे सीटां जीतियां असी तो उत्थे सारा इन्ना प्रभाव है अज भी वो मेरी सौ नहीं खाते जम्मू कश्मीर वाले जिन्हें लोग अपने बैठे ने अज भी वो हाल है। हाँ जी कि कोई भी अपना काम करने वास्ते अपनी कला जी करते ही करता है पता नहीं मैं तो पता कोई नहीं मेरे सामने तो कोई गल नहीं हुई जे मैं बेच हूँ फिर गल होर होंगी क्योंकि मेरा तजर्बा ही मेरा 60 साल का तजर्बा ही मैं बेच हूँ मैं थोड़ा बगड़ाया जा सकता थी या मैं कुछ कर देना थी लेकिन वो लंबे लंबे अपने पता नहीं कितने बैठे किस को बैठे केड़े उसके साथी सन की होया की नहीं होया मैं नहीं पता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा ओरी मर्जी उसकी मर्जी भावना भावना रो रहे हैं सेंटीमेंट सन वे बंदे बीजेपी खड़े है और सारे अपील करते गए कि बीजेपी वोट पानी है बस इन्हें भगत जी वालों अपील है सारे जेडे अपने भगत बरादरी क्योंकि सारी बरादरी जी ना मेरी हाँ मैं उन्होंने अपील करना कि वोट जी ना तुम पहला भी भारतीय जनता पार्टी बनते रहे हो हूँ भी भारतीय जनता पार्टी वोटा जो पाओ आनगे वोटा तो सो है कि क्योंकि असी हूँ भारतीय जनता पार्टी जुड़े हाँ जुड़िया रहना तो अपनी भारतीय जनता पार्टी जड़ी है वो तो जुड़ी है तो जुड़े रहो।